1997 में आई मूवी बॉर्डर तो हम सबको याद है। बॉर्डर में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार थे, गाने बहुत ही ब्लॉकबस्टर थे और एक्टर्स की बात करें तो वहां पर एक लंबी खासी फौज थी जिसमें सुनील शेट्टी, सनी देओल, अक्षय खन्ना, पूजा भट्ट वगैरह बहुत नाम है। लेकिन क्या आपको एक नीली आंखों वाली हीरोइन याद है जो बहुत ही सुपरहिट गाने ऐ जाते हुए लम्हे में सुनील शेट्टी के साथ स्वागरात वाले सीन में दिखाई जाती है। इनका नाम लोग नहीं जानते बट इनकी नीली आंखों से हर कोई वाकिफ है। अगर आप भी नहीं जानते सुनील शेट्टी की पत्नी बनी हुई एक्ट्रेस कौन है तो आपको बता देते हैं, इनका नाम था शर्बानी मुखर्जी जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करती हैं, खास तौर से यश चोपड़ा की फैमिली। एक्चुअली यश चोपड़ा की फैमिली में रानी मुखर्जी बहू बन चुकी हैं और उन्हीं रानी मुखर्जी की कजिन है शर्बानी मुखर्जी। काजोल के साथ भी उनका एक डिफरेंट रिश्ता है, वो भी फैमिली एंगल से। बावजूद इसके कि बॉलीवुड में उनके इतने बड़े बड़े कनेक्शन है, इतना अच्छा डेब्यू मिला फिर भी कामयाब नहीं हो पाई तो इसके पीछे के रीजन पर गौर करना जरूरी है। एक्चुअली बॉर्डर से पहले वो बहुत ही छोटी उम्र में फिल्मों में आ चुकी थी। एक बहुत पुरानी मूवी आई थी हैवान, उसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करती हैं। लेकिन उनकी पहचान बनी बॉर्डर से। बॉर्डर के बाद उनको बहुत काम नहीं मिला इसलिए साउथ इंडिया का रुख किया। इसके बाद तो भोजपुरी फिल्मों में भी काम करना पड़ा शर्बानी मुखर्जी को। बाला शर्बानी ने कई छोटे मोटे रोल किए लेकिन सफलता उनके हाथ लगी नहीं। धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई और आखिर में पब्लिक के लिए दूर हो गई। आज भी लोग उनकी नीली आंखों के दीवाने हैं, उनके पुराने गानों को देखकर याद करते हैं। अगर अब भी आप उनको रिजेंबल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बताते हैं एक बहुत ही सुपरहिट गाना जो शर्बानी ने पाकिस्तानी सिंगर साजिया मंजूर के लिए वीडियो किया था, उसका नाम था घर आजा सोनिया। वहां पर शर्बानी ने गूंगी लड़की का रोल प्ले किया था, बहुत ही सुपरहिट गाना था। इसके बाद उनकी कई सारी फिल्में आई मलयालम लैंग्वेज से, तेलुगु से, तमिल से, हिंदी में भी कमबैक करने की कोशिश की बट वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई जो मुकाम उनकी कजिन काजोल को, रानी मुखर्जी को हासिल है। बहरहाल आज भले ही फिल्मों में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं शर्बानी मुखर्जी, बनकी नीली आंखें सोशल मीडिया पर टाइम टू टाइम दिखाई देती रहती हैं और पब्लिक उनसे फिर से कमबैक करने की अपील करती है। शर्बानी मुखर्जी का कैरियर उनका फेलियर एक बात तो साफ करता है, बॉलीवुड में आप कितने भी इंसाइडर क्यों ना हो, आपके रिश्तेदारी में बड़े बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, अगर आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं पाते हैं या प्रॉपर टैलेंट आपके अंदर नहीं है तब तो आपके कामयाबी हाथ नहीं लगेगी। मिथुन के, देवानंद के बेटे, साधना की बेटियां इस बात के एग्जांपल हैं। बहरहाल शर्बानी मुखर्जी के फैंस आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनकी नीली आंखों के दीवाने हैं। भले उनको फिल्मों में कामयाबी न मिली हो लेकिन उनकी पहचान लीगेसी आज भी कायम है, वो भी कोई बहुत छोटी बात नहीं है।